अंदर हमने लर्न की पर्पस एंड लर्न की पर्पस ऑफ अर्थ एंड अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है, अर्थिंग एंड अर्थ रेजिस्टेंस। तो ये हमारा एक सेशन है, इसकी ये टाइटल लिखा हुआ है आपके पास शेयर किया उसमें है ये। अच्छा, इसके अंदर आप देखें तो सबसे पहले हम ये कि अर्थिंग हम करते क्यों हैं, व्हाई अर्थिंग इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके लिए आप देखें तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल इधर हमारे पास एक अप्लायंस है, कोई भी फैन हो सकता है, उसकी रेजिस्टेंस शो की हुई है, जस्ट रेजिस्टेंस जो है ना उस अप्लायंस की और रेजिस्टेंस की फॉर्म में शो की है। कोई इंडक्टर भी हो सकता है या आर एल लोड भी हो सकता है जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस होती है, तो आर एल सी लोड कोई भी हो सकता है, फैन है, लाइटिंग है, कोई भी लोड हो सकता है, उसको जस्ट रेजिस्टेंस शो कर दिया। ये उसका समझा कि अप्लायंस है, पूरी उसकी जो है कवरिंग है, और ये वॉशिंग मशीन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसको आपने सिंगल फेज सप्लाई है, थ्री फेज भी हो सकती है, ये सिंगल फेज है फिलहाल, फेज और न्यूट्रल ये सप्लाई आ रही है। अच्छा, अब आप देखें तो इसकी जो बॉडी है इसको हम जो है वो जमीन के साथ एक वायर के साथ हम कनेक्ट करते हैं, ताकि इन केस कि अगर आपका फेज जो है वो बॉडी के साथ कहीं भी शॉर्ट हो जाए तो वो करंट का एक पाथ हम देना चाह रहे हैं, वही असल यही होती है अर्थिंग। और इस अर्थिंग की जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो यही होती है कि बॉडी से जो अर्थ के दरमियान जो इसकी जो वायर हमने यूज की है या अर्थिंग की है इसकी रेजिस्टेंस कम से कम हो। तो अभी जो हमने आज अर्थिंग डिफरेंट अर्थिंग जो है हमने जो की हुई है इधर डिपार्टमेंट के इर्द गिर्द हमारे पास है, तो वो हम मेजर करेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस कम से कम है या नहीं। अच्छा, आप देखें फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल फेज के अंदर के अगर 100 ओम का लोड है और 230 वोल्ट है तो आप देखें तो नॉर्मल करंट 2.3 रेजिस्टर लोड के अंदर फ्लो, ठीक है। अच्छा, 2.3 ये नॉर्मल करंट हो गया। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छा क्लैंप ऑन मीटर भी लें, क्लैंप ऑन मीटर और डिजिटल मल्टीमीटर दोनों उठा लें। अच्छा, उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपका फेज जो है वो यहाँ से डैमेज हो गया, इसकी बॉडी के साथ शॉर्ट हो गया, अब बॉडी के साथ मतलब लिंक हो गया, तो अब क्या है कि बॉडी का लिंक चूंकि हमारा अर्थिंग के जरिए जमीन के साथ था तो वो करंट आपका इधर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। कितना करंट फ्लो होगा? 4 ओम। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी डिस्टेंस 4 ओम है, अब ये रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें इधर क्राइटेरिया लिखे हुए, पावर प्लांट है उसकी रेजिस्टेंस लेस देन 0.5 ओम है, इसी तरह लो वोल्टेज या लो टेंशन पोल है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो लेस देन 5 ओम है, हाई टेंशन टावर है या इलेक्ट्रिक पोल है हाई वोल्टेज उसकी लेस देन 10 ओम होनी चाहिए, इसी तरह सबस्टेशन है उसकी लेस देन 2 ओम है, इसी तरह डोमेस्टिक भी अगर बीच में डालें तो डोमेस्टिक भी इसी तरह जो है वो डोमेस्टिक लोड जो है आपके घर के अंदर लोड होता है उसकी भी इसी तरह लेस देन 8 ओम जो है वो हम लेस देन 8 ओम जो है हमारी वो हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से आप ये रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया सिर्फ यही है, क्यों इसकी कम क्यों है, इसकी कम है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ज्यादा हो रही है, तो इसका सिर्फ वोल्टेज के साथ लिंक है। अगर वोल्टेज कम है आपकी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो तो एक्सेप्टेबल है, जिस तरह डोमेस्टिक लोड में हमारे पास 230 वोल्ट होती है, और हाई टेंशन जिस तरह आप देखें ज़्यादा जहाँ और ये पावर प्लांट है वहाँ आपकी वोल्टेज ज़्यादा होती है तो वहाँ रेजिस्टेंस कम भी हो, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो तो पाथ आपको करंट का जो पाथ है वो आपको प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो करंट ज़्यादा वहाँ रिक्वायर होगा ना फ्लो करवाने में, कहीं शॉर्ट होता है तो उसमें आपको रेजिस्टेंस कम होती है, जस्ट उसका वोल्टेज के साथ लिंक है। ज़्यादा वोल्टेज हो तो रेजिस्टेंस नॉर्मली इसका क्राइटेरिया है कि कम हो, और अगर वोल्टेज का लेवल कम है तो उसमें रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा भी हो तो दैट्स नॉट द इशू, ठीक। अच्छा, आइडियल थ्योरी के अंदर तो 0.1 ओम से लेस होनी चाहिए या 0.5 ओम से लेस होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, जैसे 8 ओम है इज एक्सेप्टेबल, ओके लेस देन 8 ओम हो। तो इस तरह हमने लास्ट टाइम हमारे पास जो अर्थिंग पॉइंट है एक वर्कशॉप लैब में इधर आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, तो अगर आप देखें यहाँ तो ये अगर हमारा घर है, फॉर एग्जाम्पल ये घर है और इसके अंदर स्विच बोर्ड लगा हुआ है, स्विच बोर्ड, ठीक है, जहाँ स्विचेस लगे होते हैं वहीं हम अर्थिंग का भी एक पॉइंट देते हैं, जो जगह जगह जहाँ जहाँ हमने लेके जाना। तो ये होता क्या है कि अर्थिंग जो है ये आपका एक पॉइंट है, कनेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट से हमने जो है वो डिफरेंट जहाँ जहाँ अर्थिंग करनी हो करते हैं, इस पॉइंट के पीछे जो है हमने ये ग्राउंड है पूरा, इसके अंदर हमने ये अर्थिंग की होती है, ये आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से उसका सुराख कर गया या प्रॉपर उसको होल करके और उसको प्रॉपर अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो ये हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट या वायर अर्थिंग हो सकती है, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल करनी है जो है वो इसके यूज़ लिखे हैं
ये यूज रॉक की यानी पथरीली जमीन है, अगर पथरीली जमीन है तो वहाँ आप स्ट्रिप की माइनरथिंग करेंगे, और इसी तरह आपके डिफरेंट साइज स्ट्रिप के साइज बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें तो ये इस वक्त आपका ये इलेक्ट्रोड इसका देखेंगे, ये एक आपकी जो स्ट्रिप है इसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, और वो भी होगी थिकनेस। तो वो थिकनेस डिफरेंट साइज जो है वो आपके इधर जो है वो आपको कॉपर की है, गैल्वेनाइज्ड आयरन दो हो सकते हैं, यानी ये कॉपर का भी हो सकता है या फिर आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी हो सकता है, ठीक है, कॉपर या जी आई गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये दोनों का हो सकता है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है जो कि जमीन के अंदर है और उसकी लेंथ कितनी होगी वो भी डिफरेंट आप देखें, लेंथ 0.5 मीटर है, और इसी तरह आप देखें तो नीचे डिफरेंट डिफरेंट साइज की जो है ये सारी डिमेंशन साइज साथ लिखी हुई है, इसकी डेप्थ जो है वो चेंज होगी, डिपेंड करेगा कि आपकी सॉइल जो है वो मॉइस्चराइज है या नहीं, लेस मॉइस्चराइज सॉइल है तो आप उसको डेप्थ बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिपेंड करेंगे। तो ये मैंने बताया कि ये जो आपकी अर्थिंग है, ये जो इलेक्ट्रोड होगा नीचे, इसको कहते हैं कि इसको अगर आपने ये स्ट्राफ किया है अंदर, ये पूरा जो स्ट्राफ है आपका, इसको कहते हैं अर्थ पीट कहेंगे, ठीक है। तो कहीं भी अर्थ पीट रहेंगे, अर्थ पीट हो गए, ठीक है। अब ये जो अर्थ पीट आपने करते हैं इसके डिफरेंट तरीके हैं, एक स्ट्रिप जो वायर अर्थिंग पथरीली जमीन है तो वहाँ ये करेंगे, इसी तरह रॉड अर्थिंग है तो इसमें आप देखें तो रॉड अर्थिंग है, इसका यूज आप देखें जहाँ रेतली जमीन है, सैंडी जमीन रेतली है, वहाँ आप जो है वो क्या करेंगे रॉड अर्थिंग करेंगे, क्योंकि रेतली जमीन है वहाँ आपको जमीन को आगे पीछे करना मुश्किल होगा, तो जस्ट आप रॉड एक जैसे उसके अंदर वो कर देते हैं। और इसी तरह अगर आप देखें पाइप अर्थिंग है जो कि मोस्टली यूज होती है, लिखा नहीं मोस्टली यूज होती है पाइप अर्थिंग, ठीक है, ये आपकी मोस्टली यूज होती है पाइप अर्थिंग। अभी भी हमारे डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ अभी अर्थिंग भैया करेंगे तो जगह जहाँ भी लगी हुई अर्थिंग वो सारी पाइप अर्थिंग ही है, ठीक है। अच्छा पाइप अर्थिंग में ये है कि उसके अंदर भी आप देखें तो पाइप का डाया जो है 40 mm है, और इसी तरह 2.5 इसकी मीटर लेंथ है, और ये लेंथ जो है वो और डेप्थ जो है इसकी वो देखें उसने ये जो डेप्थ अंदर टोटल डेप्थ होगी वो 3.75 मीटर, और ये चेंज भी कर सकते हैं इसको थोड़ा बढ़ा देंगे अगर मॉइस्चर कम है जमीन में, तो इस तरह आप पाइप अर्थिंग करेंगे। इसी तरह प्लेट अर्थिंग है, ये जहाँ हैवी लोड होता है, फॉर एग्जाम्पल हैवी लोड है वहाँ ये यूज होती है, ठीक है। तो हैवी लोड के अंदर प्लेट अर्थिंग यूज करते थे, और इसी तरह जो है इनके आगे वो लिखे नहीं रहे, इनका यूज मैंने लिखे हुए थे, हैवी लोड फॉर एग्जाम्पल सब स्टेशन है या इस तरह डिफरेंट और प्लांट्स हैं जहाँ हैवी लोड होता है वहाँ हम प्लेट अर्थिंग कर लेते हैं, और इसी तरह कॉयल अर्थिंग है ये रेलवे ब्रिज में हम यूज करते हैं, ठीक है। और एक और भी अर्थिंग होती है केमिकल अर्थिंग, यानी जहाँ आपने यहाँ चारकोल जिस तरह ये साल्ट है, ये साल्ट और कोल यूज करते हैं हम अर्थिंग, जो ये इलेक्ट्रोड होता है इस इलेक्ट्रोड को नीचे रख के हम कोल अपने साल्ट कोल साल्ट इस तरह जो है वो लेस बनाते हैं, तो उसकी जगह हम केमिकल अर्थिंग से भी, मकसद हमारा ये होता है कि इस जो ये आपकी इलेक्ट्रोड है इसका जमीन के साथ कंटेक्ट बन जाए ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो, तो वो केमिकल भी यूज़ करते हैं इस जगह पे, तो वो केमिकल अर्थिंग करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की अर्थिंग है जो हम यूज़ करते हैं यहाँ, ठीक। अब ये इलेक्ट्रोड आपका कॉपर का भी हो सकता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी हो सकता है, और कॉपर का है या गैल्वेनाइज्ड आयरन का है उसका साइज थोड़ा डिफरेंट होगा, सही। कॉपर का साइज थोड़ा कम रखा हुआ है देखें, और उसका आयरन का नज़ारा है, कॉपर की प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू ये, तो ये आप कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद देखें तो अब नॉर्मली ये होता है कि जो आपकी इस कनेक्शन पॉइंट है, ये कनेक्शन पॉइंट है इससे इलेक्ट्रोड के दरमियान वायर होती है, इसको अर्थिंग लीड कहते हैं। अब ये जो अर्थिंग लीड है ये और ये जो आपकी क्या नाम है ये स्ट्रिप है, ये दोनों एक ही या तो कॉपर की होती है या गैल्वेनाइज्ड आयरन की होती है दोनों, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब हमने ये करना है कि ये तो हमने डिफरेंट टाइप्स दे दी कि कंडीशन सॉइल की कंडीशन के हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। अब इसकी रेजिस्टेंस जो है कम से कम कैसे रखेंगे, जैसा मैंने बताया आपको कि ये रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब अगर ये 4 ओम है फॉर एग्जाम्पल, इधर 4 ओम से आप अगर वैल्यू निकालें, रेजिस्टेंस 4 रखें तो 230/4, यानी आप समझे इस वक्त ये वाला जो फेज है ना ये शॉर्ट हो गया बॉडी के साथ, ये बॉडी के साथ क्या हो गया जिस तरह स्त्री का ज्यादातर हो जाता है स्त्री का, तो वो आप उतर से आहिस्ता आहिस्ता मूव होता रहता है, और अब बॉडी कितना चार्ज हो गया इसके साथ ये कंटेक्ट मान गया पाता। अब 4 ओम की रेजिस्टेंस है, 230 वोल्ट है, 4 ओम रेजिस्टेंस अगर आप देखें 230/4 अब इतना ज्यादा करंट मिल जाएगा, हमारे पास पीछे से ब्रेकर लगे हुए हैं MCB और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी होते हैं जो RCCB भी होते हैं, ये तो मिनिमम करंट मिली एम्पीयर में भी इसको ट्रिप करवा देते हैं।
लेकिन ज्यादा करंट तो आप एनसीबी से, तो कारण से ये पांच एनसीबी पे जो ब्रेकर पीछे लगे होंगे वो ट्रिप हो जाएगा और उससे आप क्या होगा आप पता चल जाएगा समथिंग फॉल्ट हियर एंड यू हैव टू रिजॉल्व इट फर्स्ट। ठीक है, तो जब आप उसको रिजॉल्व करेंगे तो अब आप हाथ भी लगाएंगे क्योंकि इस पार्ट की वजह से पीछे से इसने सिस्टम को ट्रिप करवा दिया है, अब आप सेफ हैं कि सप्लाई को नहीं समझ आए ट्रिप हो। इसी तरह जो अर्थ के सर्किट ब्रेकर है इसको अगर आप देखें तो ये तो मिली एम्पीयर्स का करंट जो है उसको भी ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए अर्थ के सर्किट ब्रेकर है, मिली एम्पीयर्स में करंट हो यानी थोड़ा सा डिफरेंस है दो फेज में, यानी देखें ये फेज का करंट गुजर आया है, इस वक्त अगर देखें टोटल करंट आपका 2.3 एम्पीयर है ना, अगर ये रोड है तो अब 2.3 एम्पीयर करंट गुजर आया और ये वापस जाएगा 2.3, अगर कुछ लीकेज हो रही है करंट की तो क्या होगा कि 2.3 एम्पीयर और वापस कम जाएगा, इनका जो फेज डिफरेंस है वो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो है वो आपका वो सेंस करेगा और फॉरवर्ड ट्रिप करवा देगा। तो ये हमारी सेफ्टी के लिए अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जरूरी है, लेकिन हम लगाते नहीं है, हम सिर्फ एनसीबी लगाते हैं और जो डायग्राम हमने बनाई थी उसमें बताया था कि एनसीबी के साथ ये ईएलसीबी लगाना चाहिए, लेकिन नॉर्मली होता ही है कि हमारे जो चूँकि सब स्टैंडर्ड कुछ इक्विपमेंट जो है वो सब स्टैंडर्ड होते हैं या मतलब उनकी वैसी प्रॉब्लम होता है तो कुछ ना कुछ तो बॉडी के साथ जो लीकेज करंट है वो होते ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर नॉर्मली ज़्यादा ट्रिप करते हैं तो इससे बचने के लिए हम लगाते हैं। हालांकि ये है उसका हाल ही है कि आप अप्लायंस का कोई कहीं कहीं से अगर लीकेज है उसको ख़त्म करें। ठीक है, अच्छा अब देखें ये हो गया तो अब लीकेज कुछ ना कुछ लीकेज होगी, यानी अगर तो बिल्कुल शार्ट हो गया तो करंट देखिए मैक्सिमम गुजरेगा तो एनसीबी को ट्रिप करा देगा, और अगर कुछ ना कुछ भी लीकेज होगी फॉर एग्जाम्पल तो फिर भी ये पाथ आपको मिल गया अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा फिर भी हम बच जाएंगे। अच्छा अगर ये दोनों ही काम ना हो तो फिर क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इधर लगाते हैं ये, ठीक है तो ये देखिए अब ये बॉडी के साथ शार्ट हुआ, ये अगर आपके पास अर्थिंग नहीं थी अब कोई हाथ लगाएगा फॉर एग्जाम्पल हाथ लगाता है बॉडी की रेजिस्टेंस जो है हमने भैया की थी लास्ट टाइम अभी भी आज भी करेंगे आप फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम देखें वैसे ये फोकस लिखा हुआ इधर फॉर एग्जाम्पल जो बॉडी है वैसी फॉरन रेजिस्टेंस, तो ये डिपेंड करेगा हर एक चेंज होगी तो इसको अगर मेगा हम पे करें फिर करें तो चेक अपने दोनों हाथों में तो इस तरह हम जो है ना वो डिफरेंट ये 19 ये 8.55 मेगा ओम तकरीबन है तो इनकी देखें अगर इसी तरह ये इनकी उनसे हाफ है। ठीक है तो ये आ गए होंगे ये और चक्कर होगा तो ये देखें इसके बाद ये इनकी बिल्कुल ही फर्क है और इनकी देखें तो ये उनसे भी उसी तरह है और चक्कर है। ठीक है ये इस तरह जो है वो किधर हाथ लगाया भैया और इनको हाथ लगाना इधर नहीं पकड़ना इसको लगाना ठीक है 0.2 ये आपकी बहुत कम है। ठीक तो ये इस तरीके से ये पीछे हर एक बंदा भी चक्कर है। ठीक है तो ये इस तरीके से आपका क्या होगा कि रेजिस्टेंस होगी कुछ ना कुछ, अब ये बॉडी की रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी मान लीजिए देखिए तो ये हाथ से पांव के लगना है ये ऐसे इसको ये पांव में ये दायां हाथ और पांव ये वाला और इस तरह बायां हाथ और पांव ये वाला इसके में दिल की आ जाएगी जूते उतार गए तो एक हाथ से पाँव की भी चक्कर फिर इस हाथ का ये भी पाथ बन सकता है ये हाथ और ये पाँव क्रॉस में बन सकता है तो ये डिफरेंट पाथ है तो डिफरेंट होगी। ठीक आपने सामने अपने डिफरेंट चक्कर ये चेक जो अभी कर रहे हैं कॉपी में लिखनी है मैंने चेक कर लिखी और एक आपने यहाँ से इस पाँव आज चेक करके जाना एक इसकी इसके दरमियान तीसरी कौन सी इसकी उसके दरमियान फिर इसकी इसके दरमियान ये 6-7 रेजिस्टेंस आपने चेक करके जाएंगे। ठीक है कितनी है अच्छा तो ये रेजिस्टेंस है आपकी जो भी बॉडी की खास थाउजेंड ओम लिखी है तो वोल्टेज डिवाइड बाई थाउजेंड ये इतने मिलीमीटर करंट मिलेगा अगर ये 230 मिलीमीटर करंट गुजरता है और ग्राउंड नहीं थी तो पाथ तो करना है तो पाथ इधर से बन जाएगा तो डेफिनेटली हमारे लिए डेंजरस है 230 या इतना 400 एम्पीयर में वैसे ही। ठीक है ना तो ये सारा डेंजरस है हमारे लिए इसलिए आपने देखा कि ग्राउंडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कि बंदे की लाइफ और डेथ का मामला है तो इसलिए जब भी घर में आपने वायरिंग करनी है अर्थिंग जो है ये आपने लाजमी करनी है और अर्थिंग का मेरे सादा सा प्लान कि साथ आप
डिपेंड करता है, आप देखिए थोड़ा सा खड्डा दो मीटर तीन मीटर या 10 फुट का, 10 से 15 फुट का लगाएं, और जिस तरह पानी का पंप की तो लगाते ही तो वो लगा के तो आप देखें जहाँ मॉइस्चराइज ज़्यादा हो जाए तो वहाँ जाए आप उसके अंदर कोयला सारा कोयला और साल्ट का कोयला साल्ट की 2-4 लेयर लगाए, एक साथ पाइप लगा दें ताकि उसके पास ये जो स्ट्रिप आप लगाएंगे ये वाली इसका साइज डिफरेंट है, आपको जरूरी नहीं है फायदे में दे देंगे लेकिन आप थोड़ा सा इस तरह प्लेट पे पेट्रोल और उसको वहाँ लगाएं और उसके साथ साथ जो है जमीन के उसके साथ जो है वो लेयर बना दें कुछ कोल की साठ की कोल और पाइप एक अंदर से बना दें सर, एक पाइप है सर सीधा सा सीधा पाइप जिसे फ्री है और ऊपर से खोल दें। अब जब भी आपने इसकी डिस्टेंस को कम करना है तो आसान तरीका जो एक काम कर सकते हैं डिफरेंट तरीके हैं जिससे काम करने के, उसमें पहला यह है कि आप मॉइस्चर को मेंटेन करें, ऊपर पानी डालते थे जिस तरह हमने देखा इधर हाई वोल्टेज की रेजिस्टेंस जो चेक की थी हमने वो थी तकरीबन 11.45 थी, मैं कहता हूँ 11.5 ओम, तो उस दिन हमने पानी डाला है उसमें, देखते हैं आज दोबारा चेक करेंगे उधर ही जाएंगे ठीक, तो वो आज चेक करेंगे थोड़ी कम हुई थी। अच्छा उसके साथ एक और भी थी जो चेक करेंगे वो आज हमने वही करनी है ठीक। अच्छा उसके बाद पावर प्लांट की चेक की थी जिस तरह 0.5 का है, हमारे पास जो पावर प्लांट है डीजल पावर प्लांट है, 2 डीजल जनरेटर लगे हुए हैं और उनको हम क्या करते हैं जब लोड शेडिंग होती है तो वो चलाते हैं, 256 किलोवाट का एक है इन 312 केवीए का और दो है तो 512 किलोवाट हो जाएगा। अच्छा जी उधर लगी हुई है उसकी रेजिस्टेंस भी हमने चेक की है आपके दूसरे सेशन को करवाई है, उसकी रेजिस्टेंस 1.5 ओम आई थी या 1.4 आई थी। अच्छा उसके बाद फिर हम गए थे ये जो हमारी जो मशीन लैब के सामने है उसकी भी चेक कर ली है तो उसकी आई थी तकरीबन 19.5 सबसे ज़्यादा थी वो थी नहीं एक्सेप्टेड नहीं लेस देन 8 तो 19 उसकी रेजिस्टेंस आई थी ठीक है जो मशीन लैब के बाहर। अच्छा फिर कल हम गए हम तो पीछे रखा हूँ उसकी भी बैग उधर भी 2 लगी हुई अर्थिंग तो वो 2 अर्थिंग एक अर्थिंग जा रही है हमारी मशीन लैब नहीं है कारण वाली उसके साथ में जो पावर सिस्टम लैब है उसके जो ट्रेनर है वो सारे ट्रेनर जो है आपके हैं वो नए ट्रेनर लिए हैं अभी लेटेस्ट तो अर्थिंग के बगैर चलते नहीं है ट्रिप हो जाते हैं अर्थिंग लाजमी है तो वो फिर स्पेशल एक अर्थिंग उसकी है और उसकी रेजिस्टेंस का आपने चेक किया वो 1.4 ओम या 1.5 बड़ी आइडियल है यानी बहुत कम आई है 2 ओम थी मैंने शायद कल वाले सोन रूम का। अच्छा उसके बाद फिर उसके साथ ही दूसरी रेजिस्टेंस थी जो कि ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जा रही है जो मशीन लैब के ऊपर है उधर जा रही है उसकी अर्थिंग उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आई है उसकी थी मेरे ख्याल में आपकी तकरीबन 18-19 ओम थी जिस तरह ये मशीन लैब वाली थी सामने वाली इसी तरह उसकी बहुत ज़्यादा आई वो भी ठीक नहीं थी उसमें पानी डाला हमने थोड़ा लेकिन एक काम है आप मॉइस्चराइज काम कर सकते ये मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है उसका कंटैक्ट एरिया बढ़ा दें इलेक्ट्रोड का उसके लिए हमें उसको खोदना पड़ेगा प्रॉपर उसको करके उसका कंटैक्ट एरिया बढ़ा दें यानी कि इलेक्ट्रोड को बढ़ा दें। अच्छा तीसरा ये काम करें साल्ट और कोल डालें उसका भी आपको उसके लिए भी आपको उसको डिंक करना पड़ेगा और इसी तरह का डेप्थ इलेक्ट्रोड भी बढ़ा दें उसकी डेप्थ को मजीद नीचे कर दें और इसी तरह एक्स्ट्रा अर्थिंग यूज़ करें यानी एक इलेक्ट्रोड की जगह एक दूसरा इलेक्ट्रोड साथ डाल दें तो ये डिपेंड है उसमें से आसान तरीका एक था कि हम पानी डाल दें ठीक है पानी वाला काम कर दी तो ये डिफरेंट तरीके हैं ठीक हो गया। तो अच्छा उसके बाद ये तो मैंने ओवरऑल आपको सिनेरियो बता दिया इसी तरह एक स्टैंडर्ड है IC60364 ये तो एक जो आपकी बिल्डिंग्स में जो इलेक्ट्रिफिकेशन करते हैं बिल्डिंग की ये इन जनरल ब्रॉड सेंस में ये एक कोड है। उसके अंदर नीचे जो है ना अर्थिंग का यानी इसकी डिफरेंट कैटेगरी है ये बड़ा ब्रॉड आपका समझेंगे ये कोड है ये बिल्डिंग्स की इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। अच्छा उसके अंदर एक जो है ना उसकी ब्रांच में ये है अर्थिंग जो अर्थिंग स्टैंडर्ड उसके 2-3 है पास में DNA TTA और IPA ये जो अर्थिंग स्टैंडर्ड है ये चूंकि पावर सिस्टम से रेलिवेंट है लेकिन हमारी वर्कशॉप चूंकि अर्थिंग पार्ट है इसलिए इससे थोड़ा सा रेलिवेंट है। इसमें देखें तो 3 तरह के स्टैंडर्ड है इन्होंने अभी एक बनाए नहीं है TNA IPA और PT किधर गया PT बनाया क्या नहीं बनाया ठीक है तो आपने ये तो अब ये TNA इसको आपको बता दूँ TNA में ये पिछली तस्वीर ले ली है इसको व्हाइट बोर्ड तो TN के अंदर सिस्टम में यह है कि आप जो न्यूट्रल होती है न्यूट्रल और अर्थिंग को कॉमन कर देते हैं TN सिस्टम में न्यूट्रल और अर्थिंग को कॉमन कर देते हैं। अच्छा TT जो सिस्टम है आपका उसके अंदर न्यूट्रल लेयर्स होती है और अर्थिंग लेयर्स होती है और IT सिस्टम के अंदर आप देखेंगे न्यूट्रल है ही जो जनरेटिंग सेशन है आपका
कोई भी जनरेटर इसको कॉमन किया हुआ, लेकिन ये अर्थिंग हमने नहीं की। और जो है आपका अर्थिंग का प्रॉपर एंड यूजर जो आपका लोड होता है वहां से आप अर्थिंग लेते हैं, जिस तरह हम अर्थिंग इधर से लोकल ले जाते हैं। तीन मेन और एक अर्थिंग होती है, न्यूट्रल होती है। तो ये डिफरेंट ऑप्शन इसमें यूज होते हैं। अब इसके अंदर देखें टीएन सिस्टम में फायदा, इस टीएन सिस्टम के अंदर क्या है कि आपने ये कॉमन किया है पॉइंट और इस कॉमन करके इस पर अर्थ कर दिया, यानी न्यूट्रल पॉइंट जो तीन फेज होते हैं उसका एक पॉइंट कॉमन करें, स्टार में लगाना है आपने तो स्टार में एक पॉइंट कॉमन करते हैं वही न्यूट्रल होता है, उस न्यूट्रल को आपने ग्राउंड भी कर दिया। अब इसके अंदर जहाँ न्यूट्रल को ग्राउंड कर देते हैं इसमें इधर देखें तो यही न्यूट्रल आपका आया और उसी वही अर्थ यूज कर दिया, उसको भी आया आपके तौर पर यूज कर दिया अर्थ वायर के ऊपर। इस केस के अंदर जहाँ न्यूट्रल ग्राउंड कर देते हैं उस सिस्टम में टीएन सिस्टम जो है उसके अंदर आपका जो जो आपका न्यूट्रल है वो डेंजरस नहीं होता। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, कुछ स्टूडेंट ने पूछा था कि भाई न्यूट्रल में भी वोल्टेज हो सकती है, यानी न्यूट्रल को हम श्योर समझें कि वो डेंजरस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सिस्टम में जिस तरह आप देखेंगे अर्थिंग सिस्टम कौन सा लगा है, टीएन सिस्टम में जहाँ न्यूट्रल को ग्राउंड करती है वहाँ ये डेंजरस नहीं है, वहाँ ये जीरो लेवल पर। लेकिन इस केस में आईटी सिस्टम या टीटी सिस्टम जहां न्यूट्रल लेवल से या अर्थ लेवल से है वहां न्यूट्रल में जब क्या बैलेंस लोड फ्लो होगा तो न्यूट्रल में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, वहां न्यूट्रल डेंजरस है। इसलिए न्यूट्रल को आप ये कंफर्म कर ही नहीं सकते कि उसके अंदर वोल्टेज जीरो हो, वो उसी वक्त होगा जब वो ग्राउंड के साथ। इसके अंदर हमने इस सिस्टम के अंदर ये पढ़ना, ये तीन सिस्टम हो गए। अच्छा, उसके बाद अब अच्छा इसके अंदर और चीज भी है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो रेजिस्टेंस पे कर रहे हैं, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसकी डिफरेंट टाइप होती है, ये जो रेजिस्टेंस है इनकी ये डिफरेंट टाइप है। एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो तो आप डिजिटल मल्टीमीटर से मेजर कर लेते हैं कंडक्टर की रेजिस्टेंस, ठीक है। ये कंडक्टर है, आपने उनके दो पॉइंट्स पे डिजिटल एमएम लगाया उसे मेजर कर। अच्छा, इस तरह जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो भी रेजिस्टेंस ही होती है, जीरो कंटिन्यूटी है तो जीरो रेजिस्टेंस शो करेगा, ठीक है, वो तो डिजिटल मल्टीमीटर से कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है आपकी अगर उसको चेक करें, इंसुलेशन फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारा इलेक्ट्रिक पोल होता है, इलेक्ट्रिक पोल खंभा जो वायर जो होता है, खंभे के जो आपका रॉड अपने कंडक्टर होता है उस कंडक्टर का और खंभे के दरमियान एक इंसुलेटर होता है, यानी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोल के साथ कोई लिंक नहीं, ऐसी है, उनके दरमियान वो इंसुलेटर होता है। उस इंसुलेटर का की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, उसकी ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि उनका आपस में लिंक नहीं करना हमें। इसी तरह केबल्स हैं, केबल्स का जो कंडक्टर होता है जिसमें करंट फ्लो होता है और उसके ऊपर जो इंसुलेशन होती है, आप हाथ लगाएं तो आपको तो करंट नहीं लगता क्योंकि उसकी इंसुलेशन की रेजिस्टेंस हाई होती है, उस रेजिस्टेंस का कमाल है सारा, ठीक है। तो वो जो ये इंसुलेशन है केबल की या मोटर की वाइंडिंग होती है, मोटर जो है उनकी हम वाइंडिंग उसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो ये सारी रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होती है मेगा ओम्स की, वो हम मैकर से मेजर करते हैं। ये मैकर से प्रैक्टिकल हम लैब सेशन 10-11 जो अगला है वो हम मैकर करेंगे, ठीक है, वो इंसुलेशन में हम वो रेजिस्टेंस नहीं करेंगे। तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है जो कंडक्टिंग पार्ट है, तो डिजिटल एमएम से मेजर करते हैं। अर्थ की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए ये भी ओम्स में होती है, कम होती है, लेकिन इसके लिए जो है वो डॉक्टर बर्नर 1915 में उसने एक तरीका याद किया अर्थ टेस्टर का, ठीक है। तो अर्थ टेस्टर से वो मेजर करने का तरीका है, ये डिजिटल एमएम से नहीं हो सकती, ये इसको इसी तरह करना पड़ेगा क्योंकि इसमें देखें ना तो आपका पॉइंट तो एक ही है, आप इसकी रेजिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, ये रॉड मीन में डाला हुआ है, एक पॉइंट आपके पास अवेलेबल है जो कनेक्शन पॉइंट है, इसको कैसे मेजर करेंगे, इसको डिजिटल एमएम से तो नहीं कर सकते, दो पॉइंट तो है नहीं और अर्थ इतनी बड़ी है उसको कहा कैसे, उसके लिए फिर जो है ये तरीका थर्ड जो है अर्थ रेजिस्टेंस मेजर करने का तरीका जो अर्थ टेस्टर से। अब ये जो अर्थ टेस्टर डिजिटल भी है एनालॉग भी है, हर डिजिटल होगा तो इसको सप्लाई जो है वो बैटरी से मिल रही होगी, जस्ट अंदर बैटरी डाली होगी उससे सप्लाई मिलेगी, एनालॉग होगा तो आप जो है वो एनालॉग है उसके अंदर जनरेटर होगा उसको आप चलाएंगे, तो जिस तरह आप साइकिल में डायनेमो को चलाते हैं, ठीक है, इसको चलाएंगे सप्लाई मिलेगी। डिजिटल के अंदर इसकी जगह जो है वो दूसरा बैटरी लगी होगी जस्ट, तो आपको इधर आज हमें इसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा उस बैटरी के। और इनके अपने फायदे हैं, ये एनालॉग है वो डिजिटल होते हैं, एनालॉग का अपना ये है कि ये थोड़ा सस्ता होता है, एक्यूरेसी कम है, डिजिटल की एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं है, तो ये सारे इसके प्रॉब्लम कम है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हमने ये टेस्टर हमें यूज करना है इसकी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब इसका तरीका अभी हम देख लेते हैं, उसके बाद याद करते हैं रेजिस्टेंस मेजर, ठीक। अच्छा, इसका जो इसके अंदर पार्ट्स हैं टेस्टर के अंदर वो ये है, इसको अगर देख लें, इसके अंदर एक डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर के बाद आगे देखें तो इसका मतलब डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर होने के बाद अगला पॉइंट क्या है इसका, आगे मैंने ये इसका करंट रिवर्सर है, इसको दूसरे लफ्ज में कह रही है आपका इन्वर्टर, ठीक है, ये रेक्टिफायर है, ये इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर भी कह रहा है।
इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में जी एसी में करता है, और रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में। अच्छा, अगर हम चाहिए, हमें चाहिए एसी चाहिए, ये जो डीसी जनरेटर है डीसी प्रोड्यूस करेगा, हमें एसी चाहिए। एसी क्यों चाहिए? एसी इसलिए चाहिए कि हमें एक बैक ईएमएफ होती है, बैक ईएमएफ। यस सर, ये हमें पढ़ा होगा कि बैक ईएमएफ क्या है, फ्रॉडे लॉ यानी अपने उसमें के बैक ईएमएफ ये होती है कि ये जो ओरिजिनल सप्लाई होती है उसको अपोज करती है। तो इससे बचने के लिए हम एसी यूज करते हैं कि जमीन की जो बैक ईएमएफ है उससे बचे। बैक ईएमएफ होगी तो हमें फिर रीडिंग सही नहीं आएगी बैक ईएमएफ के, तो वो बैक ईएमएफ से बचने के लिए हम एसी यूज करते हैं। सिर्फ एसी का मकसद मान लीजिए। अब डीसी जनरेटर है एसी बनाने के लिए बेहतर कि हमने इन्वर्टर यूज किया है, इसको करंट लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर यूज किया, इन्वर्टर का कहने वाला हमने क्या किया है, ये वाली जो इन्वर्टर है ये एसी है, ये हमें अब दे देगी, ठीक है, ये वाली। उसके बाद रीडिंग कैसे है? रीडिंग के लिए जो सीए है, जो हमने एनर्जी मीटर भी लास्ट टाइम जब पढ़ा था उसके अंदर भी हमने देखा था पोटेंशियल कॉइल थी और करंट कॉइल थी। पोटेंशियल कॉइल या उसको प्रेशर कॉइल कहते थे, ठीक है, या वोल्टेज कॉइल उसको कहते थे, ये सारे एक ही नाम है। अच्छा, इस तरह करंट कॉइल है, ठीक है, या सीरीज कॉइल उसको कहते हैं, वो पैरेलल कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से रीडिंग आती थी, यानी कि इसका जो स्केल था, ये जो स्केल मूविंग स्केल है जो रीडिंग देता था उसका, वो क्या करता था कि वो रेशियो होती थी वोल्टेज या प्रेशर कॉइल या पोटेंशियल कॉइल की रेशियो टू करंट कॉइल की रेशियो, उसकी रेशियो से वो मूव करता था, समझ आ। यही फिनोमेना इधर यूज होता। लेकिन इसके लिए चूंकि हमने वहां भी देखा था, तो इसके लिए हमें चाहिए डीसी चाहिए फिनोमेना को चलाने के लिए। इसके अंदर एक करंट कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, इसको डीसी देने के लिए हमने दोबारा एसी को डीसी कॉइल की कुछ सप्लाई इसको दे रहे, ठीक है। तो इसके अंदर जो करंट कॉइल है वो आपकी सीरीज में लगी होगी और जो पोटेंशियल कॉइल है वो आपकी पैरेलल में लगी होगी, ठीक है। ये आपने दोनों लगा के ये वाला पूरा फिनोमेन, ये वाला आपका रेक्टिफायर है क्योंकि एसी को डीसी कर रहा है, और उससे जो सप्लाई मिल रही है वो वोल्टेज और करंट, यानी जो अर्थ की आपने रेजिस्टेंस में कर लिया उसका जो वोल्टेज होगी और जो करंट होगा उसकी रेशो के हिसाब से ये मूव करेगा। और ये ऊपर स्केल इसके ऊपर रेजिस्टेंस का बना हुआ है, तो वो स्केल कोई भी लगा सकते हैं, यानी हम रेजिस्टेंस में ही कर देंगे, तो वोल्टेज और करंट की रेशो से रेजिस्टेंस पता चलेगा। और एनर्जी मीटर में भी यही होता है, बेसिक फिनोमेना करंट और वोल्टेज की उसकी बेस में। अच्छा, उसके बाद देखते हैं आप, तो ये जो हो गया हमारा वो इसके अंदर ये समझेंगे, ये आपकी एनालॉग है, तो ये इस तरह मीटर दी हुई है और ये इस तरह का स्केल है, और उस स्केल पे हमें रेजिस्टेंस दे, डिजिटल होगा उसमें ऐसे डिस्प्ले होगा, ठीक। अच्छा, ये जो है सारा इसको कहते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पी एम एम सी, ठीक है। ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम क्या कहेंगे, पी एम परमानेंट मैग्नेट परमानेंट मूविंग कॉइल मूविंग करंट कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये वाला होता है। अच्छा, अब इसके अंदर देखें तो ये सप्लाई होगी, इसको आप खत्म कर दें, ये आप समझे, ये हमारी समझ आ गई है कि ये हमने जस्ट रीडिंग के लिए। अब हम फिर निकल आते हैं जो कि एसी सप्लाई है, उसको हमने यूज करके अर्थ की रेजिस्टेंस कैसे मेजर करनी है, ये अब आप समझे। अब इनके अंदर देखें तो ये पॉइंट्स आपको तीन पॉइंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो मीटर होता है, मीटर के अंदर C1 P1 इनको हमने शॉर्ट किया होता है। अगर हमारा मीटर देखें, हर मीटर में डिफरेंट होगा, कुछ में ये चार भी होंगे, चार को दो पॉइंट आप शॉर्ट कर देंगे, इसको ई पॉइंट पर लाएंगे जिसकी रेजिस्टेंस लेयर करनी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन जिसकी रेजिस्टेंस लेयर करना चाह रहे हैं उसका जो कनेक्शन पॉइंट है वहां ये लगा दें। इसलिए इसमें देखें अगर आप, तो ये ई पी और सी तीन पॉइंट है, ठीक है। ये जो ई पॉइंट है आपका, ये ई जो है वो ये वाला पॉइंट है, ये जो मीटर का हमारे इस मीटर के अंदर ये दोनों पॉइंट शार्ट करके एक ही पॉइंट निकाला। अगर ना ये दोनों पॉइंट बाहर हो, कुछ मीटर्स में ये होता है, तो आप खुद शार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को आपने इधर लगाना है, इसके दरमियान में वायर चाहिए होगी, इस ई पॉइंट से आपने एक वायर लेनी है और उधर जो जिसकी रेजिस्टेंस मेजर करनी है आपने उसके साथ लगा देना, ये काम नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्या पी पॉइंट है, पी इसको कहते हैं पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है, ये पोटेंशियल कॉइल है और ये करंट कॉइल है, ये समझे कि पोटेंशियल है आपने इसके और इसके दरमियान जो पोटेंशियल है वो हम चेक करते हैं, और इसी तरह करंट चेक करना है, ये देखिए इसको हमने लगाया, इस तरह करंट पास बनेगा, जैसे ये देखिए कैसे बनेगा आप देख लेते हैं, ये जब एसी करंट आया यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, इसके बाद यहाँ से वापस आया, ये पास बना और ये सोचा ये फ्लो, तो ये करंट आपका सीरीज में फ्लो। पोटेंशियल वोल्टेज है, वोल्टेज देखें ये वाला पॉइंट इधर से यहाँ और उसका दूसरा पॉइंट ये कॉमन है ये, तो वोल्टेज आपके पैरेलल में यहाँ जाएगी और करंट आपका इस तरह सीरीज में, तो इस वोल्टेज और इस करंट के रेशियो से ये वाला स्केल मूव करेगा और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे देगा, ठीक हो गया।
तो अब जो है इनका जो डिस्टेंस है ये इतने दूर होने चाहिए कि ये आपस में वो न करें, यानी इनका डिस्टेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि ये सी वाला पी वाला ये वही है, ये ई वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको दूसरे लफ्ज़ में कह लेंगे ये ई वाला पॉइंट है, ठीक है, ये ई वाला है, ये पी टू हो गया या इसको पी कह लें और ये सी हो गया, ये पी और ये सी, ये आपस में दूर होने चाहिए। क्यों? इसमें होता है अर्थ रेजिस्टेंस, इसमें होता है रेजिस्टेंस एरिया और वो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। कैसे? ये इसका ये इसका इसका ये बनता है, इसका इसका देखेंगे ये बनता है, कितना भी होता है, पाँच मिनट भी हो सकता है, दो मिनट भी हो सकता है, जितना भी नहीं होता है। तो ये डिपेंड करेगा किसी आपकी डेप्थ कितनी है और ये क्या है, अच्छा मॉइस्चर कितना है और सारा उसमें, तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस एरिया होगा। अब इसका और इसका आपस में ओवरलैप नहीं करना चाहिए, यानी इससे हमें इसको इतना दूर रखना है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, वैसे 20 से 30 मीटर ये वाला है, इसी तरह ये 20 से 30 मीटर ये थोड़ा दूर, वैसे 10 मीटर की कुछ जगह पे लिखा हुआ है 10 मीटर 10 तक डिपेंड करता है शायद, तो 10 मीटर कर लीजिए। 10 का मतलब है कि आप इसकी रिजिस्टेंस नहीं करनी है, पी पॉइंट से दूर इतना दूर लगाए। पी पॉइंट आपका क्या है, जस्ट आप देखेंगे ये हमने ये पी पॉइंट है, ये क्या करेंगे ये वाला लगा लेंगे जमीन में लगाएंगे ये फुल और इससे काल लगाएंगे इस पॉइंट से, इसी तरह एक और है सी पे लगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो है वो दो पॉइंट इनका डिस्टेंस जो है वो आपका, अगर इसका आपने 10 मीटर रखा है तो इसका ऐसे डबल रख लेते हैं 20 मीटर, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस डिफरेंट होगा। अच्छा ये ओवरलैप क्या है, फॉर एग्जांपल यहां ओवरलैप कर गए, इस वक्त आप देखें तो ये आपका इस वक्त ये था इसका जिससे ये और इसका ये, अब ये ओवरलैप है, ओवरलैप से नुकसान क्या होगा कि देखिए एक पॉइंट हमारा करंट का इस तरह बनेगा, ये काफी डेप्थ में होता है ना, डेप्थ में है इस तरह, ये करंट का बाद में ये काफी डेप्थ में, ये रेजिस्टेंस काफी हमने 2-4-5 मीटर या 5-10 जो है फुट या 15 फुट इस तरह की होती है, ये का बाद इस तरह होता है, तो प्रॉपर वाली रेजिस्टेंस आती है। अगर ओवरलैप हो जाए, ओवरलैप होगा क्या होगा, ओवरलैप होगा यहाँ तो क्या होगा, पाथ यहाँ से बन गया ऐसे, तो प्रॉपर जो पाथ नीचे से बनना था वो नहीं बना, ये बन गया तभी निकलता है, तो हमने इतना ओवरलैप करना है, ये ओवरलैप एरिया रहा है ये सी को ई से हमने इतना दूर रखना है, ताकि ग्रांट का पाथ जो है वो प्रॉपर जमीन के अंदर से बने जाए, इससे कि ओवरलैप हो गया ये शॉर्ट हो गया इससे बन जाए, यानी जमीन की जो ऊपर वाली लेयर है अगर ओवरलैपिंग होगी तो जमीन की ऊपर वाली लेयर के साथ ही कंटेक्ट बन गया, असल डेप्थ की जो असल रेजिस्टेंस है वो तो हमें पता ही नहीं चली, ठीक है। तो हमें चाहिए कि जो रिकॉर्ड अंदर जमीन में डेप्थ पर लगाया हुआ है इस पॉइंट पर जमीन के साथ इसका कनेक्ट किया है उसकी रेजिस्टेंस हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक। तो इसलिए हम जो है ओवरलैपिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो वायर्स हैं इस वक्त आप देखें तो इसके अंदर जो वायर्स हैं आपको नजर आएंगी, जो ये वाली वायर है इस वक्त यहाँ से यहाँ ये तकरीबन है 2 मीटर है, कम है ये दो, क्योंकि करीब हम खड़े होंगे जिसकी रेजिस्टेंस में ये करते, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है ये तकरीबन हमारे पास 70 फुट का, थोड़ी सी काटी भी होगी चले 60 फुट का नहीं 4 फुट, तो अच्छा उसी तरह जो है ये जो है आपकी ये से डबल 150 फुट थी, थोड़ी कम भी होगी खैर, लेकिन यह 150 फुट है ये लगी है, ठीक। तो ये आपका इसको हमने चेक करना है। अच्छा आज खैर थे हमारे हम करेंगे, उससे पहले हमने सबसे पहले देखने ये काम इसके अंदर दो तीन चीज़ें हमने देखी हैं, एक ये कि ये देखिए इसका ये वाला पॉइंट इस का और इस वायर का, यानी इधर हम लगा देंगे पॉइंट इधर 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 पॉइंट लगा लिए मीटर के साथ, यानी इधर हमने कनेक्शन कर दिए इधर इधर, ठीक है। लेकिन दूसरे पॉइंट जो हमने आखिर में लगाने हैं यहाँ इनको हमने क्या करना है कि इनको आपस में शार्ट करके मैंने इनकी रेजिस्टेंस चेक करनी है, ये बताइए कि इन वायर्स की रेजिस्टेंस कुछ हो, इन वायर्स की रेजिस्टेंस भी अगर है कुछ रीडिंग दे रहा है अगर वन ओम है इन वायर्स की रेजिस्टेंस, तो वो कम से कम हमें पहले आखिर की रीडिंग से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये वायर्स की रेजिस्टेंस चेक करेगा क्या लिखा कि ये वाला पॉइंट ये और ये याद करवाना है, ये वाले तीनों पॉइंट सबसे पहले हमने शार्ट करके इसको चलाना है, वही फिनोमेना चलाना है, चलाने का तरीका अभी मैं बता दूं उधर जाके फिर आपको समझ आएगा कि फॉर एग्जांपल इसको आपने कंटिन्यूसली चलाते रहना, एक बंदा इसको चलाता रहेगा, जो इसको चलाएगा वो इधर नहीं छेड़ेगा बाबू इनको इसी को चलाएगा, ठीक है। कंटिन्यू चलाना है, आप रुक जाते हैं ये बार बार जाना इधर देखना शुरू कर देता इधर से रुक जाता है, तो आपने इसको चलाते रहना एक बंदे ने आपके मदद कर, ठीक। अच्छा दूसरे बंदे ने ये करना है कि ये देखिए इधर आपको एक निडल नजर आ रही है, ये निडल और एक नीचे लाइन भी नजर आ रही है, ये उधर जाके खुद करेंगे आप, ये नीचे लाइन भी है। अच्छा ये लाइन के ऊपर इस नीडल को आना चाहिए, यानी ये जब चलाएंगे ये कनेक्शन किए होंगे तो ये नीडल कहीं आगे पीछे चली जाएगी, तो इस नीडल को उस लाइन पे लाने के लिए आप यहाँ से ये मूव करवाएंगे, ये वाला बड़ा स्केल जो है
इसको मूव करा। अब इसको भी आप जोर लगाते हैं ऐसे, कल ऐसे कर भी तोड़ दोगे लग लगे ये नाजुक है। तो आपने इसको ये देखें 10 का शेयर है, तो 10 के बाद आगे जोर क्यों लगा रहे हैं, 10 के बाद रुक जाओ बस। और इधर इतना जीरो है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें जीरो, जीरो के बाद जोर क्यों लगा रहे हैं, जीरो के बाद रुक जाए बस, जीरो के बाद आगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने जीरो के बाद इधर भी जाना और इधर भी जब मूव करना है तो 10 के बाद रुक जाना, ये इसका बाद इतनी रेंज है, ठीक है, लिखी हुई है। तो आपने ये जोर नहीं लगाना था, इस तरह शुरू में कोई मोमेंटम के साथ आ रहे थे ऐसे और ये टप करते हैं तो ये टूट जाएगा, ठीक। तो ये आपने अच्छा, उसके बाद इससे आपने एडजस्ट करना है इस नीडल को। अब इसका हो सकता है कि ये एडजस्ट ही ना हो, उसका क्या तरीकेकार है कि ये इसका मल्टीप्लायर है, ये देखें ये मल्टीप्लायर भी देखें, एक से आप इधर करेंगे 100 मल्टीप्लायर हो गया, इधर करेंगे 10 मल्टीप्लायर है, और उससे इधर करेंगे 1 ओम है, ठीक है, मल्टीप्लायर 1 है। अब जो भी रीडिंग इस पर आ गई है, इसको जब एडजस्ट करेंगे तो जब ये नीडल जो है उस लाइन पे आ जाएगी उस वक्त आपने रुक जाना है। इस बंदे ने नहीं रुकना, ये भी रुक जाता है, इसको चलते रहना है इसने, ठीक है। तो अच्छा इधर रुक जाना है और वो रीडिंग फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये इस वक्त 1 पे आ गए या 1.3 पे आ गए जो है वो नीडल एडजस्ट होगी। 1.3 मल्टीप्लायर क्या है, 1 है, तो 1.3 मल्टीप्लायर 1 ये 1.3 ओम होगी, ठीक है। अगर मल्टीप्लायर 10 था तो 1.3 मल्टीप्लायर पर 10 13 ओम रेजिस्टेंस लगेगी, ठीक है। अगर 1.35 था तो 13.5 आ गई, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ गई। इसी तरह 100 है। अब इसके अंदर जो इसकी सेफ्टी के लिए आपने ध्यान में रखना है कि 1 ओम पे सेंसिटिविटी ज़्यादा है, 1 ओम पे चलाना शुरू कर देते हैं। 1 पे जब चलाते हैं तो ये नीडल चूंकि सेंसिटिविटी उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल उसकी 13 ओम है और आपने रखा हुआ है इसको 1 पे और मल्टीप्लायर भी 1 है तो 1 ओम शो कर रहे हैं, उसकी रेजिस्टेंस 13 आएगा, तो जैसे ही आप चलाएंगे तो नीडल जोर से इधर लगेगी, अंदर इसको तोड़ देंगे, ठीक है। तो इसका तरीका यह है कि शुरू में आपने इसको ये 1 पे मल्टीप्लायर पे नहीं रखना, सेंसिटिविटी इसकी कम रखें शुरू में, और इसको ये 1 पे कर दिया, 1 के बाद इधर और कोई नहीं है इसका पॉइंट, इसको और जोर पे ही लगा रहे हैं इधर का, ठीक है, इसको इधर और जोर नहीं लगाना, ठीक है। इसके ये देखिए टॉप पे मल्टीप्लायर 10 है, उसके एक राइट पे 100 है मल्टीप्लायर और दरमियान से एक लेफ्ट पे मल्टीप्लायर 1 है, लेफ्ट के बाद और कोई नहीं है, इसको और जोर नहीं लगाना, ठीक है। तो ये इधर देखें, ये तरीका इसका। अब देखें तो इसका मैक्सिमम स्केल यहाँ इसका देखें तो 0 से लेके 10 तक है, तो 10 का मतलब है कि अगर इसका मल्टीप्लायर 100 हो तो मैक्सिमम ये 1000 ओम रेजिस्टेंस दे सकता है, और इसी तरह इसका मल्टीप्लायर 10 हो तो ये 100 ओम मैक्सिमम और मल्टीप्लायर 1 हो तो 10 ओम, और मिनिमम तो डेफिनेटली आप 1 पे रखें, और इधर से 1 के भी आगे सब स्केल है, 10 सब स्केल है तो 0.1 ओम तक रेजिस्टेंस वो भी ये दे सकता है, ठीक है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 ही होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो ये इसको अच्छा आप देखें इसके अंदर, तो एक मैंने देखा पैक इसके अंदर जो है ना ये वाला जो 5 ये नीडल गई था ना शुरू में, अगर जिस तरह बाकी में एनालॉग स्केल एम मीटर वाट मीटर वोल्ट मीटर बाकी जितने मीटर हैं उनका भी आपने शुरू में उसकी जो जब आपने नहीं चलाया अभी मेजर नहीं कर रहे प्रॉपर उसकी जो भी इनिशियल पोजिशन है उस पर वो लाइन जो है उस पर आना चाहिए, नहीं आता तो फिर यहाँ एक ये बना हुआ है, ये हर मीटर पे बना होता है, तो ये आप किसी भी टेस्टर से या इसको मूव करवाएं और उस नीडल को सामने लें, एरर को खत्म करें, वरना वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज है उधर एरर खत्म नहीं होता, तो उधर अगर पॉजिटिव एरर है तो आखिर में आप उसको माइनस कर दें, नेगेटिव है तो प्लस कर दें, ठीक। तो अब इसमें भी अगर जिस तरह ये खराब हो गया, ये काफ़ी अर्से यूज कर रहे हैं इसको वैसे ही खराब कर दिया, तो अब ये नहीं है तो वो कोई भी एरर अगर आए तो उस रीडिंग को आप आखिर में वो माइनस कर सकते हैं जो अगर एक्स्ट्रा रीडिंग आ रही है पॉजिटिव। तो ये इसका एडजस्टमेंट का, जब भी कोई मीटर यूज़ करें तो इसको आप पहले 0 पे ले जाए जो भी उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक। तो ये तो पहला काम है। दूसरा काम ये है, ये तो इसकी कैलिब्रेशन होगी ना ताकि एरर से बचे। दूसरा ये है इसका कि आपने क्या करना है कि इनकी जो रेजिस्टेंस है, ये जो वायर्स की रेजिस्टेंस आपने शुरू में ये करना है, इन वायर्स को शार्ट कर लें, ये जितने भी देखें इस वक्त ये कोई 150 फुट की है 100 फुट की है और ये 50-60 फुट की है वायर है और ये 2 मीटर की या 3 मीटर की है, इन तीनों को आप शार्ट करेंगे आखिर में, फिर इसको यही फिनोमेना अप्लाई करेंगे, आप इसको चलाते रहेंगे और वो रेजिस्टेंस चेक करेंगे इधर से वही फिर चेक करेंगे क्या, अगर तो वो 0 शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वायरस की रेजिस्टेंस कोई नहीं है, वो इन्वॉल्व नहीं होगी, तो ये भी हमने वायरस की रेजिस्टेंस भी चेक करनी है पहले, ठीक। 0 होगी उसके बाद हमने फिर ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। इसका तरीका यह है कि आपने इधर से ये सारे निकालना है, एक बच्चा ये पकड़ लेगा, ठीक है, और ये थोड़ी भी बढ़िया है और इसी तरह ये दूसरा बड़ा है। अब आपने करना क्या है कि एक ने ये वाला लगाना है, बी पोटेंशियल पाइप, दूसरे ने करंट पाइप लगाना है, तो पोटेंशियल पाइप के लिए भी इसके अंदर वायर्स है, ये देखें तो ये वायर्स देखें अगर तो इसके अंदर एक छोटी सी वायर इसके नीचे होगी, ये 2 मीटर वाली होगी,
ये तो उधर ही लग जाएगी मीटर पे जहाँ हम बैठे होंगे। ये बी वाली आपने ये इसमें देखे तो ये येलो वाली कम है, ये सिर्फ डबल है, तो येलो वाली एक बंदा ले जाएगा यहाँ से तो मैंने बता दिया कि ओवरलैपिंग का इशू है, लेकिन ओवरलैपिंग करके तो देखें क्या होता है, क्या कहते हैं आज हम ओवरलैपिंग करेंगे, इनको हम ना आखिर में एक रीडिंग लेंगे, इनको बिल्कुल करीब करीब कर देंगे, मतलब इधर रीडिंग ले रहे हैं तो एक मीटर पे हम इसको करेंगे, टी को लगा देंगे और सी को जो है वो दो मीटर पर ओवरलैपिंग करके देखते हैं क्या होता है, ये एरिया हम निर्माण करेंगे, ठीक है, तो उससे हम देखेंगे। बाकी इसका जो करंट है वो कम होता है, कल हमने वोल्टेज चेक की थी, कल 0.56 इस तरह आते वोल्टेज आ रहे हैं, ग्राउंड भी चेक करने के लिए वैसे मुश्किल ही है, क्लैंप ऑन मीटर भी ये करें, वैसे अपना इस वायर पे ये वाली वायर है इसके साथ आज क्लैंप ऑन मीटर लगा के देखेंगे कोई थोड़ी बहुत करंट शो हो रही है, ठीक, तो ये वायर हम आज का सेशन इधर एंड हुआ, हम प्रैक्टिकल करते हैं, बनाओगे जो वीडियो भी बाद में बनाना, अभी पास वाली मैं करने लगा हूं, ये आपने बताना, ये देखो क्रॉप हो जाएगी। अच्छा इस वक्त देखें आप कि ये हमारा जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट की ये वायर है, ये थोड़ी सी वायर है, देखें कितने मीटर होंगे, थोड़ी सी है ये, हमने जिसकी रेजिस्टेंस में ये करनी है उस पॉइंट पे लगानी है। अच्छा इसी तरह जो दरमियान वाली येलो वाली है ये पी पॉइंट पे पोटेंशियल कॉइल, जो वोल्टेज कॉइल है, ये दरमियान वाली है ये येलो है इस वक्त। अच्छा इसी तरह जो है ये रेड वाली जो है इस वक्त ये सी पॉइंट पे लगाई है, ये आपकी ये येलो वाली से तकरीबन डबल है, ठीक है, तो ये जो रेड वाली है ये आपकी करंट कॉइल होगी, ठीक। अब इनको हमने तीनों को पहले शॉर्ट कर दिया है, तो फिनोमेना वही होगा रेजिस्टेंस मेजर करने का, जो प्रॉपर हम करेंगे उसी का तरीका अभी अप्लाई करेंगे, तो रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो मैंने आपको बताया था कि ये डायल है इसका, इस डायल को आप शुरू में मैक्सिमम भी रखें तो बेहतर है, ताकि सेंसिटिविटी कम से कम रखें, ताकि नीडल, वरना देखें इसको मैं तरीका बताता हूँ, देखें वन पे रखेंगे ना, और इसको भी वन पे किया हुआ है, बिल्कुल कम किया हुआ है, जैसे थोड़ा सा चलाऊंगा तो ये देखें ये अभी तो शार्ट किया हुआ है, इसको ज़रा ओपन करें, ओपन करें तीनों को, ओपन करें तो ये देखें ये नीडल नज़र आ रही है, ये देखें थोड़ा सा मैंने घुमाया, ये अभी ओपन है, तो ये थोड़ा सा मैं घुमाऊँगा ना तो ये थोड़ी देर बाद ये अभी वो ज़ोर से लगती है, ठीक है, सेंसिटिविटी अगर कम हो तो इसको आपने एहतियात करनी। अच्छा ये मल्टीप्लाई 10 है, 100 शुरू में 100 रख लें, आप शार्ट करें, शॉर रखने के बाद और इसको आप मैक्सिमम की बजाय इसको करें 10 पे करें, ताकि मैक्सिमम इस वक्त हमने 1000 ओम पे रखा हुआ है, ताकि हमें फिर ये आप देखें ये जैसे ही चलाएंगे तो ये देखें नीडल आपकी उस लाइन से हट जाएगी, जैसी लाइन पे हट जाएगी एक बंदा जो है इसको इसको जरा घुमा के ना उसको लाइन पे करें, आप घुमा आप इसको घुमा आप घुमाते हैं, इसको आपने कंटिन्यूसली घुमाते रहना, ठीक है, घुमाएं ये घुमा रहे हैं, अभी हम देखें इससे हम इसको एडजस्ट करेंगे, ये देखें अब मैं जीरो पे ले आया हूँ, जीरो पे जाके भी अभी थोड़ी सी वो नहीं कर रही थी, इसका मतलब सेंसिटिविटी कम करते हैं, 10 ओम पे करते हैं, 10 पे भी जो है ये जीरो पे जा रही है, अब वन पे करके देख लेते हैं, वन पे देखते हैं, ये देखिए तो इसका मतलब इसकी जीरो रेजिस्टेंस है, ये वायर्स की रेजिस्टेंस हमने चेक कर ली जीरो है, ठीक है, अब इसका वो हमारा एरर कोई नहीं है कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड होगी, बस ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लायर हम 10 ही रखते हैं, अब इसको मैक्सिमम करके चले, अब हम करते हैं इसको पॉज करें, देखिए हमने इसके अंदर ये वाला जो पॉइंट ई पॉइंट है, इस पॉइंट को देखें यहाँ अर्थिंग मेजर करनी है, इस वक्त इस पॉइंट पे आई अर्थिंग, ये कौन सी अर्थिंग वहाँ देखें वो उधर फोकस करें, ये वाला अर्थिंग पॉइंट है, ये जो ये ईंटें पड़ी है ना ये सारी, ये वाला अर्थिंग पॉइंट है, समझ आ रहा है ना, ये अर्थिंग पॉइंट है, इस अर्थिंग पॉइंट की जिस तरह ये पाइप के जरिए इधर आ रही है अंदर इस लैब के अंदर, इस लैब का ये वाला पॉइंट है जो कि हमने बाहर निकाल लिया, इसकी रेजिस्टेंस असल में हम उस अर्थिंग पॉइंट की रेजिस्टेंस में ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस में ही करनी है, ये इसके साथ लगा दिया, इसके बाद जो पी पॉइंट है वोल्टेज कॉइल जो पोटेंशियल कॉइल ये येलो वाली है, ये देखें इस वक्त येलो वाली ना ये इधर थोड़ा सा आगे जाएँ, ये कितने मीटर होगी तकरीबन 15 मीटर, ठीक है, ये 15 मीटर तकरीबन है ये, ठीक हो गया, और इसी तरह ये जो रेड वाली करंट कॉइल है ये रेड वाली जा रही है ये काफ़ी आगे, वो हमने लगाई है तकरीबन कितनी होगी 20 मीटर 25 मीटर होगी, ठीक है, ये अब आपने मेयर करनी है, मेयर का तरीका मैंने आपको बता दिया है, अब इसका मल्टीप्लायर भी मैंने बता दिया है कि 100 है, 10 है और 1 है, 10 पे रख ले और इसको 10 पे अब आप मेयर करें खुद, ठीक है, एक बंदा घुमाता रहे और उसे रुकना नहीं है, ठीक है, आपने चलते रहना, घुमाते रहना, ठीक है, और बिल्कुल स्मूथली घुमाना है, झटके नहीं मारने, जर्क से नहीं लगाने,
तो ये आप एग्जैक्ट उस लाइन पे करें उसको, वन है सर, एग्जैक्ट करें ना पहले, एग्जैक्ट नहीं है, पीछे कर, एग्जैक्ट करें, बस बस बस, वन ही है सर, सर वन है सर, वन एग्जैक्ट लाइन इनटू 10 सर, इनटू 10 100 10 ही है, ये देखिए 10 हुआ, कल हमारी थी ये 1.4 थी, यानी 1.14 तो चलें ठीक है, ये 10 हो गया, यानी 2-3 ओम जो है ना वो कम होगी, ठीक है, ये अब आपने मेजर कर ली, अब इसको पास करें, आप अभी हमने पोटेंशियल कॉइल को ना डिस्टेंस चेंज कर दिया, देखें फोकस करें, पोटेंशियल कॉइल इधर लगा दिए, उधर से हटा के डिस्टेंस भी लगा दी है, अब दोबारा दूसरी रीडिंग ले रहे हैं, ये जस्ट फॉर सेकंड रीडिंग, बस बस बस, जस्ट फॉर एक्यूरेसी, वापस कर, वापस कर थोड़ा, बस सही है, और देखो 0.6 सर, फिर से वन ही आ गया, 1.004 आ रहा है, 0.002 आ रहा है, इस तरह करके 01 बस वन ही है तकरीबन सर, नहीं दो के दरमियान है तो 1.5 हो गई है, उससे कम आ रही है, इसका मतलब हमें एवरेज ली और वन ही आ गई, ठीक है, इसकी वन ये वाला, और ये देखे तो वो वाली हमने कर लिया, 10 ओम आई है, उसमें पानी डाला था परसों, हमने पानी डाला था उससे 2-3 ओम कम हो गई, और ये जो है आपका, ये देखें तो इस वक्त ये येलो वायर आपको नज़र भी आ रही है, इसमें एक ये देखें नज़र आ रही है ना, तो ये येलो अंदर जा रही है अर्थिंग, इसका कलर यही होता है अर्थिंग का, ग्रीन और ये येलो है, अच्छा ये पाइप इधर से आ रहा है, ये देखें इधर से आ रहा है, ये पाइप इधर जा रहा है, ठीक है, और इधर से वायर ये अंदर नहीं जा रहा, ये देखें बाहरी वायर, ये बाहरी पड़ा हुआ है, ये तो आसानी होगी, इधर ही हम लगाएंगे वो वाला पॉइंट अर्थिंग का, बाकी वो लगे हुए हैं पहले, तो इसकी भी मेजर कर लेंगे इतनी, ये पहले काम आई थोड़ी सी और इधर सर, अपनी तरफ, अपनी तरफ का नहीं उस तरफ, दूसरी, ओह रुक जा उसी तरफ का, और थोड़ा सा और, थोड़ा और कर कर, थोड़ा सा और कर, बस 0.6 सर, ये 6 बनती है, 6 तो 6 ओम, ये उससे भी काम है, ये आइडियल है, वैसे ये काम है बेहतर है, ये ठीक है, यस सर, अब हमने ये किया कि ये जो पोटेंशियल कॉइल थी ना, करंट कॉइल को वहाँ से उखाड़ के पोटेंशियल कॉइल जहाँ लगी हुई है उसके करीब ही लगा दी है, बिल्कुल साथ, अब देखते हैं नया तजर्बा, ये जस्ट रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस हमारी मेजर हो गई है, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, नहीं बस चल एक मिनट मैक्सिमम रखने दे, 100 भी कर ले, ज़्यादा तेज गया था, नहीं मैं 10 चल जाने, चल जान दे, बहुत तेज चला गया, थोड़ा सा और कर, और कर, और कर, और थोड़ा सा सर की तरफ, सर की तरफ, बस 3 बस 3 और ना, और करो सर की तरफ, और कर, बस 3 3.5 ये गलत, ये रीडिंग नहीं है, अब इसमें ये जस्ट हमने ई को पी के साथ स्वैप करके देखा है कि जस्ट टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, पहले 3 ओम आई थी, अभी देखते हैं, चलाएं जल्दी कर, जल्दी कर, बस थोड़ी सी सर की तरफ, थोड़ा सा सर की तरफ, बस 5.8 तक आया तकरीबन, 5.8 आई है, 5.8 कहाँ से आ गया, नहीं 5.3 है, 5.3 है, ट्रिपल ओम आ रही है, ठीक है, तो स्वैप किया है तकरीबन डबल होगी, 3 से तकरीबन होगी, ये भी बता रही है, ठीक है, स्वैप से भी इसका मैं रीडिंग नहीं, कुछ एक जगह मैं पढ़ रहा था कि वो इस तरह स्वैप करते हैं इसकी, ये लगाओ उधर, चलो एक मिनट सर, तो तेज लाने चले, वो नहीं दे रहा, बस ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन हो गई है, इसमें हमने ये किया है कि ये जो वोल्टेज कॉयल है ना, ये सिर्फ 2 मीटर पे लगा दी है, ये देखें 2 मीटर पे लगा दी है, और ये जो करंट कॉयल है ना, ये हमने वो दूर लगाई है तकरीबन 10 मीटर पे, ठीक है, पोटेंशियल कॉयल 10 पे पहले लगी हुई थी, तो ये हमने ये 10 पे लगा दी, और ये तकरीबन 2 मीटर पे लगा दी, अब रीडिंग दे रहा कितनी है, उस तरफ जा, सही किया ना, थोड़ा सा सर की तरफ का, थोड़ा सा सर की तरफ, बस अभी पॉइंट 6 है तकरीबन सर, 0.55 यार, इतना सर, अब इतना डिटेल में कौन जाएगा सर, 5 और 6 के दरमियान नहीं, यस सर दरमियान ही, एग्जैक्ट दरमियान, 5.5
हाँ जी सर, यही मैं कह रहा था, जैसे ही है तो ये नहीं यार दूर नजदीक तेरी साइज भी है। यस सर जी।